नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ शब्द परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द, इसमें आपने पुल्लिंग शब्द तो पहले से ही सुना, तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। संस्कृत आप पहली बार पढ़ रहे हैं, संस्कृत से पहले आपने हिंदी पढ़ी है, और हिंदी में आपने केवल दो लिंग पढ़े होंगे, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। इन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए नीचे दे रखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जो न पुरुष जाति का बोध कराएं ना ही स्त्री जाति का। ये ऐसे शब्द हैं जिनका हम कोई लिंग निर्धारित नहीं कर सकते, तो ऐसे शब्दों को हम नपुंसकलिंग शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, पुल्लिंग पर आते हैं। पुल्लिंग में आप देख रहे हैं गज, शिक्षक, छात्र, मयूर, शुक, बालक, दीपक, घट, मकर, चालक, गायक, मूषक, ये सभी हमारे पुल्लिंग शब्द। गज मतलब हाथी, शिक्षक टीचर अध्यापक, छात्र स्टूडेंट विद्यार्थी, मयूर यानी कि मोर, शुक यानी कि तोता, बालक बच्चा, दीपक दिया या किसी का नाम भी हो सकता है दीपक, घट घड़ा, मकर मगरमच्छ, चालक चलाने वाला, गायक गाने वाला, मूषक चूहा। ये सभी शब्द हमारे पुल्लिंग शब्द हैं क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द, छात्रा, लता, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, नौका, कलिका, गायिका, वीणा, अजा, स्थालिका। छात्रा यानी कि विद्यार्थी, कोई लड़की बच्ची जो विद्यार्थी हो उसको हम छात्रा कहते हैं। लता किसी का नाम भी हो सकता है और बेल को भी लता कहते हैं। लेखिका यानी कि लिखने वाली, शिक्षिका अध्यापिका, पेटिका यानी पेटी बक्सा, माला माला होती है जिसे पहना जाता है फूलों की या मोतियों की, नौका नाव, कलिका कली, गायिका गाने वाली, वीणा वीणा होती है जिसे बजाया जाता है जो सरस्वती माँ के हाथ में रहती है, अजा अजा का अर्थ है बकरी, और स्थालिका यानी कि थाली जिसमें हम भोजन खाते हैं। ये सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद है नपुंसकलिंग शब्द, फलम, जलम, कमलम, भवनम, गृहम, छत्रम, पुस्तकम, सूत्रम, द्वारम, विमानम, वस्त्रम, उद्यानम। फलम यानी कि फल, जलम यानी कि जल, कमलम यानी कि कमल, कमल का फूल, भवनम भवन, गृहम घर, छत्रम छाता, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम धागा, द्वारम दरवाज़ा, विमानम जहाज, वस्त्रम कपड़ा, उद्यानम बगीचा। इन शब्दों को देखकर आप अब देखिए, जैसे कि उदाहरण ले लीजिए फलम, आप ये नहीं निर्धारित कर सकते कि ये पुरुष है या स्त्री, क्योंकि ये वास्तव में निर्जीव वस्तु है। जब ये सजीव ही नहीं है, निर्जीव है, तो हम इनका कोई लिंग कैसे बता सकते हैं कि पुरुष है स्त्री है। तो ये सभी शब्द हमारे नपुंसकलिंग कहलाते हैं क्योंकि हम इनका कोई लिंग निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे तीन लिंग हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपको हमने यहाँ पर अलग अलग करके शब्दों के आधार से बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अकारांत शब्द की ओर। पुल्लिंग शब्द की पहचान आप कर लेंगे जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे, लेकिन अकारांत शब्द कौन से हैं ये कैसे अनुमान लगाएंगे? तो आइए देखिए, अकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जो अंत में आ में अंत होते हैं, जैसे छोटा अ, ह्रस्व आ में अंत होते हैं, उन्हें हम अकारांत कहते हैं। और यदि
दीर्घ आ जाए, बड़ा आ जाए अंत में, तो वो आकारांत कहलाएंगे। लघु ह्रस्व ई, छोटी ई अगर आ जाए अंत में, जैसे कवि, कवि शब्द में वा में छोटा ई होता है अंत में, तो वह इकारांत शब्द है। नदी, नदी में बड़ा ई होता है तो वो ईकारांत शब्द है। ऐसे ही मधु, मधु में छोटा ऊ है अंत में, तो वो उकारांत शब्द है। वधु, वधु में बड़ा ऊ है तो वो ऊकारांत है। इस प्रकार से जिस शब्द के अंत में जो स्वर आता है वह उसी के नाम से पुकारा जाता है। यदि अंत में आ रहा है तो वो अकारांत। कैसे पता लगाएंगे कि अकारांत शब्द है या नहीं? इस प्रकार से हम शब्दों को तोड़ लेते हैं, ये भी आपको सीखना है। गजह, गजह शब्द है उदाहरण के लिए। ग में से हमने ग व्यंजन है अलग किया, तो व्यंजन के नीचे हम हलंत का चिन्ह लगाते हैं, हल चिन्ह। उसके बाद उसमें कोई मात्रा हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अ ही एक ऐसा स्वर है छोटा जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसलिए हमने हम इसमें से इसमें हमें ग में कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? छोटा अ। फिर ज, जा में भी हमें कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वरों के कोई व्यंजन बोला भी नहीं जा सकता और ना ही उससे हम कोई शब्द बना सकते हैं। और जिस स्वर में, जिस व्यंजन में जो सा स्वर जुड़ा होगा उसी की मात्रा हमें वहाँ पर दिखाई देगी। अब एक और उदाहरण देखिए, मयूरा में माँ में कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही है। माँ, माँ पहले हमने अलग किया, माँ व्यंजन है, तो व्यंजन के नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। हल चिन्ह केवल व्यंजनों के नीचे ही लगाएंगे, स्वरों के नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि व्यंजनों को ही हल कहा जाता है। उसके बाद माँ में कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही, ना ई, ना ऊ, ना री, ना ए, ना ऐ, ना ओ, ना औ, कोई भी मात्रा नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब इस पे कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ। और उसके बाद है य, या में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो इसलिए हम य को अलग करेंगे और उसमें से ऊ को अलग करेंगे। उसके बाद रा है, रा में भी कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही है, उसके बाद क्या है यानी कि उसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? छोटा अ। तो राग में से हम छोटे अ को अलग करेंगे और पीछे से विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन दोनों शब्दों में देख सकते हैं कि इनके अंत में आ रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? अकारांत। एक बार वापस हम पीछे चलते हैं, पुल्लिंग शब्दों में देखिए। गजः, शिक्षकः, छात्रः, मयूरः, शुकः, बालकः, दीपकः, घटः, मकरः, चालकः, गायकः, मुषकः। इन सभी शब्दों में लास्ट में कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही, केवल विसर्ग नज़र आ रहा है, यानी कि इन सब में अ स्वर जुड़ा हुआ है। सबसे छोटा आ जो है इसमें, इन सभी में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सभी हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे इस पाठ के माध्यम से। और स्त्रीलिंग शब्दों में देख रहे हैं, सभी में बड़ा आ, दीर्घ आ लगा हुआ है। छात्रा, लता, लेखिका, सब में आ की मात्रा नज़र आ रही है, यानी कि ये सभी आकारांत शब्द हैं। लेकिन हमें आज केवल क्या पढ़ने हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो गजः, शिक्षकः, छात्रा, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं, अकारांत अभी आपको समझा दिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, आपने हिंदी में दो वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन हैं। एक वस्तु का बोध कराने के लिए एक वचन, एक व्यक्ति या एक वस्तु, एक स्थान, कुछ भी चीज़ एक है तो एक वचन, और दो हैं तो उनके लिए द्विवचन, और बहुत सारी हैं, अनेक हैं, दो से अधिक हैं, तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए कुछ सर्वनाम पद देखें जिनका प्रयोग हमारे इस पाठ में हुआ है, इनका अर्थ आपके लिए जानना बहुत अधिक अनिवार्य है। सह, सह का अर्थ होता है वह, आप हिंदी में वह प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में ही और शीट का यूज करते हैं, तो हमारे सर्वनाम पद हैं संस्कृत में सह। ये पुल्लिंग शब्द हैं,
ये केवल पुरुषों के लिए, पुरुष जाति के लिए जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हम सह, वह के लिए सह, वे दोनों के लिए तौ और वे सब के लिए ते। और यह शब्द के स्थान पर हम यहाँ पे सर्वनाम प्रयोग करते हैं एषः, और ये दोनों दो लोग हैं तो उनके लिए एतौ, और बहुत सारे हैं तो उनके लिए ये सब के लिए एते। ठीक है, तो ये सर्वनाम पद हैं जिनका हमारे इस पाठ में प्रयोग हुआ है, तो इनके अर्थ आपको याद करने होंगे। सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब, एषः इसका अर्थ है यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए शब्द हैं इस पाठ में आपके लिए। चषकः, चषकः का अर्थ है गिलास, जिसमें आप पानी पीते हैं अपने घर में, गिलास का इस्तेमाल करते हैं, उसे संस्कृत में कहते हैं चषकः। बृहत्, बृहत् का अर्थ है बड़ा। वृद्धा बूढ़ा, लघु छोटा, शौचिकः दर्जी, शुनकः कुत्ता, बलिवर्धः बैल, स्यूतः थैला, हरितवर्णः हरा रंग, नीलवर्णः नील रंग। आगे है कुछ क्रियापद, क्रियापद जिनका इस पाठ में प्रयोग हुआ है वो इस प्रकार हैं, करोति करता है, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, धावता दौड़ते हैं, भूकता भूकते हैं, कर्षिता जोतते हैं, संति हैं, गायंती गाते हैं, हसंती हंसते हैं। तो आइए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ें, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमारा प्रथम पाठ शब्द परिचय है, इसमें कुछ कठिन शब्द जो थे, नए शब्द थे सभी आपके लिए, क्योंकि आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो उनका परिचय मैंने आपको पहले ही दे दिया जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। प्रथम पाठ है शब्द परिचय एषः कः। देखिए पहला वाक्य है एषः कः, अभी मैंने आपको बताया था एषः का अर्थ होता है यह, कः का अर्थ है क्या, यह है क्या है। चित्र देख रहे हैं, इसके सामने चित्र बना है, एषः चषकः, एषः अर्थ यह है, चषकः अर्थ गिलास, यह है गिलास। पहले पूछा गया एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम का अर्थ है क्या, एषः यह बृहत् बड़ा है, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न नहीं, एषः यह लघु छोटा है, लघु का अर्थ अभी आपने पढ़ा था उसमें, न नहीं यह एषः मतलब यह लघु अर्थात छोटा है। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा आपको, एषः कः यह क्या है, एषः चषकः यह गिलास है, किम एषः बृहत् क्या यह बड़ा है, न एषः लघु यह नहीं यह छोटा है। आइए आगे बढ़ते हैं, सः कः, सः कः, सः अर्थात वह, कः क्या है। अब अगला चित्र देखिए, अब इसके बारे में पूछा जा रहा है, सः कः, सः अर्थात वह, कः क्या है, सः शौचिकः, सः वह शौचिकः यानी कि दर्जी है। चित्र से आपको अनुमान लग रहा होगा, देखने में समझ में आ रहा है कि यह दर्जी है। सः कः वह कौन है, सः वह शौचिकः दर्जी है। शौचिका किम करोति, शौचिका किम करोति, शौचिका अर्थात दर्जी, किम अर्थात क्या, करोति करता है। किम सह खेलती, किम क्या सह वह खेलती खेलता है, न सह वस्त्रम सीव्यति, न नहीं सह वह वस्त्रम कपड़े, वस्त्रम कपड़ा सीव्यति सिलता है, नहीं वह कपड़ा सिलता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलता है, कपड़ा सिलाई करता है, सीव्यति कहते हैं सिलाई करता है। आगे बढ़ते हैं, एतौ कौ, एतौ ये दोनों, दो हैं यहाँ पर, दो जीव हैं,
उनके बारे में पूछा जा रहा है। एतौ ये दोनों कौ कौन है, एतौ कौ ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ स्तः, एतौ ये दोनों शुनकौ उक्ते स्तः हैं। किम एतौ गर्जता, किम क्या एतौ ये दोनों गर्जता गर्जते हैं, गर्जन करते हैं कुत्ते, नहीं। न एतौ उच्चै भुक्ता, न नहीं एतौ ये दोनों उच्चै यानी कि जोर से, उच्चै यानी कि जोर से, भुक्ता यानी भोंकते हैं। न नहीं एतौ ये दोनों उच्चै जोर से भोंकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एते के, एते ये सब के क्या हैं, एते ये सब स्यूतः संति, एते ये सब स्यूतः यानी कि थैले बैग, एते ये सब स्यूतः यानी कि थैले संति हैं, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम क्या एते ये सब हरितवर्णा हरे रंग के संति, हरे रंग के हैं। किम एते क्या एते यानी ये सब हरितवर्णा हरे रंग के हैं, नहीं नहीं एते ये सब नीलवर्णा नीले रंग के संति हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ठीक है, और पूछा गया कि ये सब क्या हैं, ये सब थैले हैं, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं ये नीले रंग के हैं। चित्र में आप देख ही रहे हैं नीला रंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे, ते के, ते वे सब के कौन हैं, ये चित्र में आपको तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं, वे सब कौन हैं पूछा जा रहा है। ते वृद्धा संति, ते वे सब वृद्धा यानी बूढ़े संति हैं। किम ते गायंती, किम क्या ते वे सब गायंती गा रहे हैं, नहीं नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हसंती यानी कि हंस रहे हैं। आप देख रहे हैं इसके सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, इसलिए कहा जा रहा है कि नहीं ये सब हंस रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पाठ का सार है, ये इस पाठ में इतना ही। आगे है हमारे शब्दार्थ जिनसे मैंने आपको पहले ही परिचय करा दिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। चशका गिलास, बृहत बड़ा, शौचिका दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते। शुनकौ, शुनकौ शब्द में आप देख रहे हैं औ की मात्रा है, यानी इसका अर्थ है कि यहाँ पर ये दो कुत्तों का द्विवचन शब्द है और दो कुत्तों का बोध करा रहा है। गर्जता गरजते हैं, उच्चई जोर से, एतौ ये दोनों भुक्ता भोंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावता दौड़ते हैं, कर्षिता जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े, गायंती गाते हैं या गायन करते हैं, हसंती हंसते हैं, स्युतः थैले, हरितवर्णा हरे रंग की, नीलवर्णा नीले रंग की। उच्चारणम गुरु, प्रश्न एक, अभ्यास है, इन सब का उच्चारण कीजिए। आप इनको पढ़ के देखेंगे, एक बार मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, उसके बाद आप इसे खुद से पढ़ेंगे। हम इन शब्दों में सभी में अंत में विसर्ग दो बिंदु देख रहे हैं, ये सभी विसर्ग के चिन्ह हैं, इनका उच्चारण ह की तरह होता है, इसलिए छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इनके अर्थ में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर से सुन लीजिए। छात्र यानी कि विद्यार्थी, शिक्षक अध्यापक, मयूर मोर, शुक तोता, बालक बच्चा, गज हाथी, मकर मगरमच्छ, बिडाला बिलाव बिल्ली, मूषक चूहा,
चालक चलाने वाला, घटा घड़ा, दीपक दिया या किसी का नाम भी हो सकता है, अश्वह घोड़ा, चंद्रह चांद, गायक गाने वाला। ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य, इन चित्रों को देखकर आपने इन पदों का उच्चारण करना है, बोलना है इन्हें। देखिए ये कौन है, पहले चित्र में किसान है, किसान को हम संस्कृत में बोलते हैं कृषक। अगले चित्र में है बैल, बैल को संस्कृत में कहा जाता है वृषभा। साथ में आप देखिए सर्प के चिन्ह के लिए ह के उच्चारण होना चाहिए, वृषभा। भल्लू का, भालू है ना, भालू, भालू को बोलते हैं भल्लू का। मेंढक है, मेंढक को बोलते हैं मंडूकः। कबूतर, कबूतर को बोलते हैं कपोतः। पलंग, पलंग को बोलते हैं पर्यंकः। टेलीफोन, टेलीफोन को बोलते हैं दूरभाषः। कौवा, कौए को बोलते हैं काकः। दर्जी, दर्जी को कहा जाता है सौचिका, अभी आपने पाठ में भी पढ़ा है ना। 1 संयोजनेन पदम लिखन, प्रश्न 2 का भाग वर्ण संयोजन करके वर्णों को जोड़कर पदों को लिखिए। उदाहरण देखिए यथा, जैसे कि च, च में आ जुड़ जाएगा तो पूर्ण च लिखा जाएगा। च में जब आ जुड़ेगा तो कोई मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अ ही एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन जब ये किसी व्यंजन में जुड़ जाता है तो उसमें से हलचिन हट जाता है। अब च में हमने आ जोड़ा तो देखिए ये जो हलचिन था इसमें, ये यहाँ पर लुप्त हो गया, गायब हो गया, हट गया ना। अब इसी प्रकार श है, श में हलन चिन्ह लगा है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा। जब इसमें स्वर जोड़ दिया अ, तो ये श पूर्ण लिखा गया और इसमें से हलचिन हटा दिया। उसी तरीके से क में आह जुड़ा तो फिर का पूरा लिखा गया और कामे से हलचिन हटा दिए। इसी प्रकार हम अन्य वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। सामे औ जुड़ेगा तो सामे औ की मात्रा लगेगी सौ। चामे ई जुड़ेगा तो चामे ई की मात्रा ची। क में आ जुड़ेगा तो का पूर्ण हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे का लिखा गया कहा सौचिका, यहाँ पर ये शब्द बनेगा हमारा सौचिका। के बाद है धावता, श, श में ऊ, छोटा ऊ है यहाँ पर, श में ऊ जुड़ेगा तो श में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। ना, ना में आ जुड़ेगा तो ना पूर्ण लिखा जाएगा, जैसे ना यहाँ पे च पूरा लिख दिया गया, च में से हलंत हट गया था, उस तरीके से ना पूरा लिखा जाएगा। और का में औ जुड़ेगा तो का में औ की मात्रा लग जाएगी, उसको लिखा जाएगा शुनकौ। उसके बाद है ध, ध में आ जुड़ेगा तो ध में आ की मात्रा, व में आ जुड़ेगा तो वह बस पूरा लिख देगी, इसमें कोई मात्रा नहीं दिखाई देगी क्योंकि व आ की कोई मात्रा नहीं होती। त, त में आ जुड़ेगा तो त, तो इसको लिखेंगे धावता, ठीक है। देखिए व, री, व, व में री जोड़ेंगे तो व के नीचे ऐसे सी जैसा साइन, जैसे सी का चिन्ह होता है, सी होता है स्मॉल सी, ऐसे सी जैसा मात्रा लगती है री की, तो व में री बन जाएगा व्री। उसके बाद द हलंत लगाकर इसी प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि द के बाद कोई भी स्वर नहीं है, द के बाद सीधा व्यंजन है, तो द को आप ऐसा ही लिख सकते हैं द में हलंत लगाकर। उसके बाद ध और ध में आप आ जोड़ देंगे तो ध में आ की मात्रा लगेगी, तो इसको लिखेंगे वृद्धा। व में री नीचे ऐसे मात्रा लगेगी उसकी। उसके बाद ध हलंत, ध, ध में आ की मात्रा, पीछे विसर्ग, वृद्धा। इस प्रकार गायंती, ग, आ, ग में आ जुड़ेगा तो ग में आ की मात्रा, य में आ जुड़ेगा तो य पूर्ण लिखा जाएगा, फिर ना,
ना देखी न के बाद कोई भी स्वर नहीं दिया गया, ना में हलंत लगा यानी कि न आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं, इसको हम आधा न लिखेंगे। जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो और उसके बाद कोई स्वर ना दिया गया हो तो हमें उसे या तो आधा लिखना है या जैसे वो दिया है उसको उसी प्रकार लिख सकते हैं। जैसे दा को हमने हलंत लगाया लेकिन हम इसको ना को आधा लिखेंगे और फिर ता में छोटी ई लगा देंगे, ना के आगे से ता में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, इसको लिखा जाएगा गायंती। जिस प्रकार से हमने इन टुकड़े किए हुए शब्द का को जोड़कर वापस से पूरा शब्द बनाया था अभी, उसको बोलते हैं वर्ण संयोजन। अभी हमने किया वर्ण संयोजन, उसके बाद है वर्ण विच्छेद। अब ये वर्ण जुड़े हुए हैं, शब्द वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया हुआ है। पहले हमने वर्णों को जोड़ा था, टूटे हुए अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया था। अब हमें इन जुड़े हुए शब्दों को वापस से तोड़कर लिखना है, जैसे पहले ऊपर टूटा हुआ था वैसे हमें इसे तोड़कर लिखना है। उदाहरण के लिए देखो, लघु, ल में अ और घ में उह, लघु। ला को तोड़ा, ला में कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही थी, ला में पहले हलंत लगा है व्यंजन है, कोई मात्रा नज़र नहीं आ रही, इसका अर्थ है इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, घ। उसके बाद घ, घ में उ की मात्रा दिख रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, उ पीछे ऐसा। तो इस प्रकार से हमें अन्य शब्दों को भी तोड़कर विच्छेद करके वर्णों का लिखना है। सीव्यति, स, सा में कौन सी मात्रा नज़र आ रही है, बड़ी की, पहले लिखेंगे स, उसमें नीचे लगाएंगे हलंत, उसके बाद जमा का निशान, उसके बाद बड़ी ई प्लस का साइन प्लस फिर बड़ी ई लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे, बड़ी ई जैसे स्वर को लिखा जाता बड़ा ई वो लिखेंगे। फिर व, व आधा लिखा गया यानी कि व में कोई भी स्वर नहीं है, इस व को लिखेंगे, पूरा लिखेंगे लेकिन उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलचल। उसके बाद या पूरा लिखा गया लेकिन कोई मात्रा भी नज़र नहीं आ रही इसमें, इसका मतलब क्या है कि इस य में क्या जुड़ा हुआ है, छोटा अ, य के साथ छोटा आ जोड़ देंगे। फिर ता, ता में छोटी ई जोड़ेंगे, ठीक है। सेव्यति, वर्णा, व में हलंत लगाएंगे, उसके बाद व में कोई भी स्वर, कोई भी मात्रा नज़र नहीं आ रही यानी कौन सा स्वर है, छोटा आ। फिर वर्ण, वर्ण उच्चारण करने से हमें पता लग रहा है कि वह के बाद क्या आएगा, र। फिर र में हम क्या लगाएंगे, हलंत, ण। उसके बाद क्योंकि ये जब र आधा होता है तो हम इस प्रकार से इसे शिरो सिर्फ मात्रा के रूप में लगा देते हैं। अगले वर्ण पर जिसके पहले इसका उच्चारण किया जा रहा है उससे अगले वर्ण पर हम इसे मात्रा के रूप में लगाते हैं। उसके बाद आएगा ण, ण उसमें हम हलंत लगाएंगे, उसके बाद कौन सी मात्रा नजर आ रही है, बड़े आ की, इसका अर्थ है यहाँ पे हम बड़ा आ लिखकर उसमें विसर्ग लगा देंगे, तो बन जाएगा क्या, वर्ण। कुक्रव, कुक्रव यानी कि कुत्ते, दो कुत्ते अर्थ होता है इसका। उसके बाद है कुक्रव, क में कौन सी मात्रा नजर आ रही है, ऊ की, क पहले लिखेंगे हलंत फिर छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा है फिर छोटा ऊ लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि क के ऊ के बाद फिर का आधा है, आधा का अर्थ है इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हम क को लिखेंगे और उसमें क्या लगाएंगे, हलंत। फिर क में फिर से क में ऊ है, फिर क हलंत लिखकर एक बार क हलंत लिखेंगे फिर क हलंत लिखेंगे दो बार, क में ऊ और फिर र, र में हलंत फिर औ, क्योंकि र में कौन सी मात्रा है, औ की, इसलिए हम अंत में औ लिखेंगे। अगला शब्द है मयूरा, मयूरा में म, माँ में कोई मात्रा नजर नहीं आ रही, इसका अर्थ है यहाँ पर कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ह, तो म हलंत जमा अ। फिर य, य में कौन सी मात्रा है, उ, य हलंत लिखेंगे फिर जमा बड़ा उ। फिर र, र हलंत फिर इस र में बड़े आ की मात्रा है फिर बड़ा आ और विसर। बालका, ब, ब के बाद आप देख रहे हैं बड़े आ की मात्रा है, ब हलंत फिर बड़ा आ फिर ल, ह
हलन जमा ला में कोई मात्रा नहीं है, इसका अर्थ है कौन सा स्वर है इसमें, छोटा अ, छोटा अ लिखेंगे। फिर क हलन, फिर क में भी कोई मात्रा नहीं है, इसका अर्थ कौन सा है इसमें स्वर, छोटा अ, छोटा अ लिखकर अंत में उसके विसर्ग लगा। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास को करना है, वर्ण विच्छेद करना है इसका। प्रश्न 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण दिया गया है, उनको देखकर आपने खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान। देखिए जैसे चषकः, चषकौ, चषकः। चषकः अर्थात एक गिलास, चषकौ अर्थात दो गिलास, और चषका अर्थात बहुत सारे गिलास। आप इसी प्रकार देखें, बलिवर्दो, बलिवर्दो का अर्थ होता है दो बैल। अब एक वचन में क्या होगा, एक बैल, एक बैल को संस्कृत में लिखेंगे बलिवर्दहा, बलिवर्द लिख के पीछे विसर्ग लगाएंगे, बलिवर्दहा, बलिवर्दौ दो बैल, और बलिवर्दहा आ की मात्रा, बलिवर्द में आ की मात्रा, उसके ऊपर र और पीछे विसर्ग लगा के बलिवर्दहा, बहुवचन में बहुत सारे बैल। शुनकौ, शुनकः, शुनक यानी कुत्ते, शुनकः यानी एक कुत्ता, शुनकौ द्विवचन में, यहाँ पे औ की मात्रा देख रहे हैं ना, दोनों में औ की मात्रा है, तो इसमें भी शुनकौ द्विवचन में हो जाएगा शुनकौ, और अंत में हो जाएगा शुनकः। अब मृग शब्द है, मृग का हो जाएगा मृगः, मृगौ, मृगा। सोचिकौ, सोचिकौ दे रखा है यानी कि दो दर्जी, सोचिकः, फिर यहाँ पे आएगा सोचिकः, आ की मात्रा और विसर्ग, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी बहुवचन। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। चित्रों को देखकर संस्कृत में पद लिखिए। ये क्या है, हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं, गज, गजः। ये है कुआ, कुए को कहते हैं काकः। ये है चंद्र, चंद्रः, चांद, चांद को कहते हैं चंद्रः। तालः, ताला है ना, ताला, यानी ताल, ताल लिख के विसर्ग, तालः। भालू, भालू को बोलते हैं भल्लूकः। बिलाव, बिलाव को कहते हैं बिडालः। आगे चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्रों को देखकर उत्तर लिखिए। बालकः किम करोति, बालकः, बालकः यानी बच्चा, किम क्या करोति कर रहा है, बालकः पठती, बालक यानी बच्चा, पठती यानी कि पढ़ रहा है। चित्र देखकर आप उत्तर दे सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है। इस प्रकार ये चित्र देखिए, पूछा जा रहा है अश्वौ किम करो कुरुता, अश्वौ ये दोनों घोड़े हैं, दो घोड़े, किम क्या कुरुता कर रहे हैं, अश्वौ धावता, देख रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, दौड़ने को बोलते हैं धाव, धाव धातु, धाव कर, अश्वौ धावता। कुकुरः किम कुर्वन्ति, ये हैं कुत्ते, ये क्या कर रहे हैं, कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुकुरः भुक्कन्ति भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ, दो छात्र, किम क्या कुरुतः कर रहे हैं, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ गायतः, छात्रौ दोनों छात्र गायतः गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः किसान, किम क्या करोति कर रहा है, कृषकः कर्षितः, कर्षति कृषकः किसान, कर्षति जोत रहा है, देखिए खेत जोत रहा है तो लिखेंगे कृषकः कर्षति। गजौ किम कुरुतः, गजौ दो हाथी, किम क्या कुरुतः कर रहे हैं, गजौ चलता, गजौ हाथी चलता, चल रहे हैं। आगे प्रश्न 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, इन पदों को जोड़कर आपने वाक्य रचना करनी है। ये क्रियापद है हमारे, गजा, सिंगौ, गायकः, बालकौ, मयूरः, और ये क्रियापद है, नृत्यन्ति, गायति, पठतः, चलन्ति, गर्जतः। तो इसके अनुसार देखिए, गजः, गजा यानी कि हाथी, हाथी क्या करेंगे, उनकी क्या क्रिया होनी चाहिए, नाचेंगे, नहीं, नृत्यन्ति का अर्थ है नाचते हैं, गायति गाते हैं, पठतः पढ़ते हैं, चलन्ति चलते हैं, गर्जतः गरजते हैं। तो हाथी के लिए क्या होगा, चलन्ति चलते हैं, गजा के साथ क्या आएगा, हाथी चलते हैं, गजः
चलन्ति। सिंहौ यानी कि दो शेर गर्जता गरजते हैं, गायकः गाते हैं, गायक गाने वाला क्या करते हैं, गायती गाता है, गायक गायती। बालकौ बालक दो बच्चे पठता यानी कि पढ़ते हैं, मयूरा मोर नृत्यन्ति नाचते। इस प्रकार आपने इन पदों को जोड़कर वाक्य रचना करनी है। मंजुषादा पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वयत्। मंजुषा में से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। ये मंजुषा यानी बक्सा है, ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको क्रियापद दिए हैं, इनको चुनकर आपने खाली स्थान भरने हैं। मयूरा मोर नृत्यन्ति नाचते हैं, सिंगौ गर्जता शेर गरजते हैं, गजौ चलता हाथी चलते हैं, वृक्षा फलंती वृक्ष फलते हैं, वानरा खादती खाता है, वानर यानी बंदर खादती खाता है, अश्वा धावती घोड़ा दौड़ता है। एक बार फिर देख लीजिए, मयूरा नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, गजौ हाथी चलता चलते हैं, वृक्षा फलंती वृक्ष फल देते हैं फलते हैं, सिंहौ शेर गरजता गरजते हैं, वानरा खादती बंदर खाते हैं, अश्वा धावती घोड़े दौड़ते हैं। अगला है सा तौ ते सर्वनाम। उचित नीचे दिए गए शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम पद आपने चुनकर लिखने खाली स्थान में। जैसे अश्वा धावती, अश्व की जगह हमने यहाँ सह का प्रयोग किया। इसी प्रकार अब हम गजा के स्थान पर, गजा बहुवचन शब्द है और हमारा बहुवचन में सर्वनाम होता है ते, गजा चलंती की जगह आ जाएगा ते चलंती। छात्रौ पढ़ता, छात्रौ की जगह आ जाएगा तौ, तौ पढ़ता। वानरा क्रीडंती, वानरा की जगह आ जाएगा ते, बहुत सारे बंदर की बात कर रहे हैं, बहुवचन में सर्वनाम होगा ते क्रीडंती। गायका गायक के लिए क्या होगा, सह, सह गायती। मयूरा मोर, मोर बहुत सारे मोरों की बात कर रहे हैं तो बहुवचन में क्या आएगा, ते नृत्यन्ति, तो पहले में आएगा ते चलंती, गजा चलंती की जगह आ जाएगा ते चलंती। तौ पठतः, ते क्रीडंती, सः गायति, ते नृत्यन्ति। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।